अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी चिकन, मेरी स्टाइल में, एकदम करारे करारे। ये देखिए, तो क्रिस्पी चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ली हूँ आधा किलो बॉयलेंस गोश्त चिकन का। तो इस तरह का मैंने इसे कटिंग कर ली हूँ, ऐसे लंबे लंबे में। ये देखिए, इसमें अभी कुछ हम सामान मिलाएंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें अभी मैं सबसे पहले मिलाऊंगी नमक। नमक आप अपने अंदाज से लीजिए, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सोया सॉस, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा चिल्ली सॉस, और ये थोड़ा सा विनेगर। मैं इसमें दो अंडे डालूंगी, अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंक ली हूँ। और ये मैंने दूध ली हूँ, जैसे कि आधा वाटी दूध है, उसमें मैंने दो चम्मच बटर डाली थी, अमूल बटर, और उसे मैंने अच्छी तरह से फेंक ली हूँ। ये भी हम डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन सबको मिक्स करके हम एक घंटे के लिए इसे ऐसे ही रखेंगे। क्या बोलते हैं? मैरिनेट के लिए। तो ये माप से मैंने आटा ली हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कौन सा आटा ली हूँ। तो यही माप से मैंने मैदे का आटा ली हूँ, यही माप से मैंने कॉर्नफ्लेन भी ली हूँ, और यही माप से मैंने चावल का आटा भी ली हूँ। तो मैंने यही माप से जैसे कि तीन ली हूँ ऐसे। आपके समझ में आ गया कि नहीं आया? मैं इसमें हल्का सा नमक डालूँगी। नमक का हमें ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। इतना तो प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं बनाने में ये सब क्रिस्पी स्टाइल, मगर फिर भी जैसे मुझे आता है मैं वैसे आप लोगों को बता देती हूँ बनाना। और मैं जैसे अपने घर में बनाती हूँ वैसा ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। मैंने लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच ही डाली थी, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ये ऑरेगानो, ये हम थोड़ा सा ही लेंगे। ये देखिए, इतना सा लिया मैंने, ज़रा सा। और ये मैंने ली हूँ चिल्ली फ्लेक्स, ये भी मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ, हाथ में डाल रही हूँ। ये देखिए, इसे थोड़ा सा और ये है, क्या बोले थे इसको, कॉर्नफ्लेक्स। तो मैं आपको इसका पैकेट बता देती हूँ, ये मैं पहले डाल देती हूँ इसी के अंदर। डबल डबल इसमें उसमें कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो ये वाला ली हूँ मैंने, ये देखिए, ये वाला ओके। तो एक तरफ तो तेल मैंने गरम के लिए रख दी हूँ। इन सबको हम अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये अभी अच्छी तरह से इसमें सारा, अभी तो मैं मसाला ही बोलूँगी, अच्छी तरह से मसाले में डिप हो गया है ये।
तो अभी हम मैं इसमें से एक एक पीस, जैसे कि जैसे एक एक पीस ऐसे इसमें से ऐसे करके उठा लूँगी और इसमें डाल दूँगी। एक मिनट रुक जा, मेरा हाथ सूखा कर लेती हूँ। ये ऐसे अच्छी तरह से इसमें हम ऐसे कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ऐसे अच्छी तरह से। ऐसे करेगा। अभी मैं इसे साइड में रखूंगी, सब एक साथ में बना बना के फिर डालूंगी। तो तेल अभी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तेल एकदम गर्म हो जाने के बाद में मैंने गैस को स्लो कर दी हूँ। तो अभी मैं इसमें ये एक एक करके डालूंगी। ये देखिए ऐसे गैस एकदम फास्ट नहीं रखना है, स्लो पे ही रखना है। क्या हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए और हमारा जो ऊपर के जो हमने जो कोटिंग की है वो जले नहीं, ये बात का हमें ध्यान रखना है। ओके माशाल्लाह, देखते हैं किस तरह का बनता है। अच्छी तरह से 10 मिनट तक का इसे अल्टी पल्टी करके हम पकाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी चिकन रेडी हो चुका है। हो गया ना एकदम रेडी। अभी हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी चिकन रेडी हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्रिस्पी चिकन कितना, ये देखिए एक मिनट, अरे ये देखिए आवाज देखिए इसकी। अरे ना आवाज एकदम क्रिस्पी है और ये अंदर से भी एकदम अच्छी तरह से पका है। की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे YouTube पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट भेजो।